हेलो दोस्तों, चलिए मैकेनिक्स को आसान बनाते हैं फिर से। पिछले टू पार्ट्स में हमने देखा था कि कैसे वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करें, कैसे मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करें। उसके बाद में देखा था हमने आइडियल एफर्ट, आइडियल लोड, लोड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन और लोड लॉस ड्यू टू एफर्ट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ये हमने कुछ कंसेप्ट लास्ट टू पार्ट्स में देखे हैं। जिन्होंने, जो लोग आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग प्लीज़ वो दो पहले पार्ट देख लो, मतलब आपको कंटिन्यूएशन में आ जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा है ना लेवल बढ़ा रहे प्रॉब्लम्स का जो बोर्ड ने पूछा है। जैसे कि ये आज का प्रॉब्लम देखते हैं जो बोर्ड ने तीन बार पूछा है। समर 2008 में 4 मार्क को पूछा है, समर 2010 में पूछा है, सेम क्वेश्चन पूछा है, और विंटर 2010 में। बोर्ड ने ये तीन बार रिपीट किया है क्वेश्चन। क्यों किया होगा, इसमें कुछ तो भी लॉजिक होगा ना। बच्चे आसानी से सवाल ना करे, इसीलिए वो लोग थोड़ा सा ट्रिक उसमें डाल देते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, बाकी सब सेम रहेगा हमारा। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला सेम रहेगा, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला इस प्रॉब्लम के लिए सेम रहेगा। बस चेंज क्या हो रहा है, क्या पूछ रहे हो, ठीक है। आज एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज कि रिवर्सिबल मशीन क्या होती है। रिवर्सिबल मशीन, देखिए हम दो तरह से जान सकते हैं इसको, थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली। अगर मैं थियोरेटिकली समझाऊं आपको, तो कोई भी मशीन जिसकी इफिशियंसी अगर ग्रेटर देन 50% होगा, तो वो मशीन रिवर्सिबल मशीन कहलाएगा, ठीक है। कौन सा मशीन, जिसकी एफिशिएंसी मोर देन 50% होगी। और जो कोई भी मशीन है जिसका एफिशिएंसी लेस देन 50% होगा, वो होगा नॉन रिवर्सिबल मशीन, नॉन रिवर्सिबल मशीन, ठीक है। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली वो क्या पूछ रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन को भी रीड करेंगे। तो इतना याद रखो, अगर इफिशियंसी लेस देन 50% ग्रेटर देन 50% है तो रिवर्सिबल मशीन होगा, और लेस देन 50% है तो नॉन रिवर्सिबल मशीन होगा। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके। स्क्रू जैक मालूम होगा आपको, जब भी कार पंचर होती है तो हम वहाँ पे स्क्रू जैक लगाते हैं और कार को उठाते हैं आसानी से, कम एफर्ट में ज़्यादा लोड उठाते हैं वहाँ पे। बेस्ट एग्जांपल है सिंपल लिफ्टिंग मशीन का, ठीक है। आपका कार अगर पंचर हो गया तो आप स्क्रू जैक लाएंगे, है ना, वहाँ सेट करेंगे और हैंडल घुमाएंगे, उसमें से स्क्रू ऊपर आएगा, उसके साथ कार ऊपर जाएगी, ठीक है। अभी हमारा काम हो गया, समझो पंचर हमने जोड़ दिया, अभी कार को हमने ऐसे उठा के बाजू में रखा, तो क्या होगा, जो स्क्रू जैक का स्क्रू है वो ऑटोमेटिक नीचे आएगा क्या, नहीं आएगा। वो अगर नीचे ऑटोमेटिक नहीं आती है तो उसे हम बोलेंगे नॉन रिवर्सिबल मशीन, मतलब जो मशीन रिवर्स पोजीशन पे नहीं आती आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, तो उसको हम बोलेंगे नॉन रिवर्सिबल मशीन। वही अगर हम एग्जांपल लेंगे डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील का, ठीक है, तो उस पर क्या होता है, जब आपने लोड लगा दिया तो वो एक डायरेक्शन में घूमेगा समझो, और लोड आपने रिमूव कर दिया तो रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगा, जो भी डायरेक्शन होगा पहले उसका, उसके रिवर्स में घूमेगा, तो उसको बोलेंगे हम रिवर्सिबल मशीन। तो डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील का एफिशिएंसी मोर देन 50% होगा और स्क्रू जैक का एफिशिएंसी लेस देन 50% होगा, क्योंकि ये नॉन रिवर्सिबल मशीन है। तो इस क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि ये कौन सी मशीन होगी, तो वो किस पे डिसाइड होगा, किस पे डिसाइड होगा, वो एफिशिएंसी पे डिसाइड होगा। तो इस प्रॉब्लम में हमें एफिशिएंसी फाइंड आउट करना होगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये कौन सी मशीन है, रिवर्सिबल मशीन है या फिर नॉन रिवर्सिबल मशीन है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं क्या पूछा है, तीन बार पूछा है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें इंपॉर्टेंस होगा, है ना। अभी इन अ मशीन एन एफर्ट ऑफ 8 न्यूटन, कितना एफर्ट है, हम सॉल्यूशन बनाएंगे कैसे, सॉल्यूशन उसमें लिखते हैं हम गिवन डाटा, राइट, ये जरूरी है, गिवन डाटा में लिखना है आपको क्या दिया है, एफर्ट दिया है, एफर्ट को हम क्या लिखते हैं, पी, कितना दिया है, 8 न्यूटन, ठीक है। वॉज रिक्वायर्ड टू रेज अ लोड ऑफ 224 न्यूटन, लोड दिया है, क्या दिया है, लोड, उसको क्या लिखते हैं हम W, ठीक है, कितना दिया है,
टू फोर न्यूटन, मतलब इतना लोड उठाने को इतना एफर्ट लग रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी। अभी क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन एफर्ट मूव्ड थ्रू 20 मीटर, अभी मूव हुआ है, एफर्ट मूव हुआ है मतलब डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है एफर्ट का, ठीक है। तो एफर्ट के डिस्टेंस जब ट्रैवल होता है तो हम उसको लिखते हैं वाई, ठीक है। वाई मिला हमें 20 मीटर। ये पहला पार्ट देख लो आप, कैसे वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करते हैं, तो आपको वाई क्या है एक्स क्या है समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद में लिखा है द लोड मूव, मतलब लोड ट्रैवल हो रहा है, दैट इज एक्स 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। ये है तुम्हारा एफर्ट मूव्ड सम डिस्टेंस, ये है आपका लोड मूव्ड फॉर सम डिस्टेंस, है ना। थोड़ा लोड मूव हुआ, थोड़ा एफर्ट मूव हुआ। तो क्वेश्चन क्या है, इज द मशीन रिवर्सिबल। अभी डायरेक्टली उन्होंने ये नहीं बोला कि एफिशिएंसी फाइंड आउट करो, वीआर फाइंड आउट करो, एमए फाइंड आउट करो, ऐसे नहीं बोला है उन्होंने। दे आर इनडायरेक्टली आस्किंग इज द मशीन रिवर्सिबल। तो ये किस पे पता चलेगा हमें, एफिशिएंसी पे पता चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन यहां तक है, इतना अगर आप बोलेंगे मशीन रिवर्सिबल है या नॉन रिवर्सिबल है तो आपको कितने मार्क मिलेंगे, 2। और थोड़ा एक्सटेंड हुआ है क्वेश्चन, इफ सो फाइंड द एफर्ट। अब ये आगे वाला थोड़ा उसके बाद देखेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं यहां तक 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। और टारगेट इज टू फाइंड आउट एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। कौन सी मशीन है हमें नहीं मालूम, इन मशीन बोला है, कौन सी मशीन है नाम नहीं दिया है, तो हम बोल नहीं सकते कि ये स्क्रू जैक है या फिर डिफरेंशियल एक्सेलेंट व्हील है या फिर सिंपल है, आई डोंट नो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गिवन डाटा। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा है हमने, एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। अभी देखो एमए नहीं है गिवन डाटा में, नहीं है, ठीक है, वीआर भी नहीं है, तो फिलहाल इस फॉर्मूला को हम बाजू में रखते हैं, पहले एमए और वीआर निकाल लेते हैं। एमए माने मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारा, लोड अपॉन एफर्ट। लोड मालूम है हमें 224, एफर्ट भी मालूम है 8। जब हम 224 को 8 से डिवाइड करेंगे विल गेट वैल्यू 28। क्या मिला हमें, एमए मिल गया, यहां लिख लेते हैं हम एमए 28, इसको यूनिट नहीं होता है, न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाता है, ठीक है, एमए मिल गया। अभी वीआर निकालते हैं, वीआर का फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लोड, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट हमारा है समझो y और लोड का है x, तो y दिया है 20 और x दिया है 0.5, 20 को हम 0.5 से डिवाइड करेंगे विल गेट 40। ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो हमें vr मिल गया कितना, 40, राइट। तो पहले हमें ma निकालना पड़ा, फिर vr निकालना पड़ा, इसको आपको एक मार्क मिलेगा यहाँ पे, यहां पे आपको इन दोनों के लिए एक मार्क मिलेगा ओनली, ठीक है। अभी आपको एफिशिएंसी निकालना, राइट। तो ये मैं मिटा देता हूं यहां से, एमए और वीआर मिल गया हमें, तो हमें निकालना है अभी एफिशिएंसी। अभी बोला है मैंने फॉर्मूला एफिशिएंसी इज इक्वल टू, ठीक है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या है, एमए अपॉन वी आर इंटू 100, ठीक है, 100। अभी एमए मिल गया हमें 28 अपॉन वी आर मिल गया है 40 इंटू 100, तो एफिशिएंसी हमें कैलसी में कैलकुलेट करना होगा, 28 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 40, तो वी गॉट 70%। एफिशिएंसी कितना मिला, 70%, यहां मिल गया एफिशिएंसी 70%। तो ये मिलने के बाद आपको वहां एक स्टेटमेंट लिखना होगा। अब देखो मैंने बोला था एफिशिएंसी अगर 50% से ज्यादा होगा तो मशीन रिवर्सिबल होगा, लेस होगा
तो इरिवर्सिबल होगा। अभी ये लेस से के ज्यादा है बोलो जल्दी फटाफट, 50 से ज्यादा है या 50 से कम है? सिंपल है, 50 से ज्यादा है तो कौन सा मशीन है? मशीन इज रिवर्सिबल मशीन राइट, बिकॉज हम लिख सकते हैं बिकॉज इफिशियंसी इज ग्रेटर देन 50%। बट ये हमने नया कंसेप्ट पढ़ा आज इस लेक्चर में, व्हाट इज मीन बाय रिवर्सिबल मशीन एंड व्हाट इज मीन बाय इरिवर्सिबल मशीन। अगर ये 50% से कम आता तो हम क्या लिखते थे वहां पे? नॉन रिवर्सिबल मशीन, राइट। अभी यहां मिलेगा आपको एक मार्क, जब आप बोलेंगे रिवर्सिबल मशीन है कि नहीं है तो मिलेगा आपको एक मार्क, राइट, मिल गए दो मार्क्स। अभी आगे क्वेश्चन एक्सटेंड हुआ है, अभी इसको देखते हैं, ठीक है। अभी मिटा देता हूं मैं, आप वीडियो पॉज करके ये देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर का यही फायदा है, आप पॉज करके देख सकते हैं, राइट। अभी एम ए वी आर इस कंडीशन के लिए खत्म हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड कंडीशन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, एक्सटेंड हुआ है, इफ सो, अगर रिवर्सिबल है तो, है क्या नहीं है? है, तो फाइंड द एफर्ट नेसेसरी व्हेन इट इज ऑन द पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग। अब पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग क्या होता है वो देखेंगे। इफ सो फाइंड द एफर्ट, क्या निकालना है आपको अभी? ये जो गिवन पी था ये नहीं लेना है, अभी वो पूछ रहे नया पी निकालो अभी, ठीक है, लोड वही लेंगे हम, पी निकालो कब? रिवर पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग पे। अब रिवर्सिंग पॉइंट क्या है? मैंने दो कंडीशन बोला है आपको, इफिशियंसी अगर ग्रेटर देन 50% होगा तो क्या होगा बोलो जल्दी, लेस देन 50% होगा तो नॉन रिवर्सिबल, और ये रिवर्सिबल। तो रिवर्सिंग पॉइंट कब स्टार्ट होता है हमारा? एट 50% पे, एट 50% इफिशियंसी पे रिवर्सिंग पॉइंट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हमें इफिशियंसी कितना लेना होगा? सिंपल है, 50%, ओके। तो इफिशियंसी कितना लेंगे हम रिवर्सिंग पॉइंट के लिए? 50%। रिवर्सिंग पॉइंट के लिए कितना लेंगे? 50%। तो यहां हमें अभी इफिशियंसी मिल गया, कितना लेना है? 50%। लोड वही रहेगा 224, पी निकलना है कब? जब इफिशियंसी 50% होगा। तो वीआर मिल गया था हमें, वीआर कितना मिला था? 40। वीआर वही लेंगे हम, क्या बदलेगा? एमए बदलेगा, ठीक है। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला हमारा क्या है? इफिशियंसी इज इक्वल टू एमए अपॉन वीआर इनटू 100, राइट। वीआर वही रहेगा, इफिशियंसी हम ये लेंगे 50%। अब एमए निकालना होगा आपको, ठीक है। तो एमए निकाल लेते हैं, एमए निकालने के लिए मैंने बोला था कैसे निकालेंगे एमए, ठीक है। एमए निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इफिशियंसी इंटू वी आर राइट, और बचा उधर कितना? एमए इंटू 100, ठीक है। फिर एमए अगर लिखना है मुझे तो ये 100 इधर आके डिवाइड हो जाता है, तो इफिशियंसी इंटू वी आर अपॉन 100, ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे? इफिशियंसी कितना लेंगे? 50%, 50 इंटू वी आर दैट इज 40, सब हमारे पास अवेलेबल है, और 100, तो देखो अभी कट हो जाएंगे तो 20 होगा, मैकेनिकल एडवांटेज 20 होगा, 5 4 20। तो एमए कितना मिला इस केस में हमें? 20 मिला, एमए कितना मिला? 20 मिला, राइट। देख लो एक बार, efficiency is equal to MA upon VR into 100, इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ऐसा होगा, फिर MA हमें मिल जाएगा, efficiency into VR upon 100, कितना मिला? 20, ठीक है, MA मिल गया। तो यहाँ MA को आपको एक मार्क मिल जाएगा, तीन मार्क हो गए। अभी फाइंड आउट करना है आपको एफर्ट, क्या एफर्ट? तो एफर्ट कहाँ मिलता है हमें? MA में, मैकेनिकल एडवांटेज में। MA क्या है हमारा? MA इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। एफर्ट निकालना है तो क्या करते हैं हम? P को इधर लाएंगे,
W अपॉन MA हो जाएगा, राइट। अभी W कितना है 224 अपॉन MA कितना है, अभी निकाला हमने 20, राइट। तो हम इसको कैलसे में कैलकुलेट करेंगे, 224 अपॉन दैट इज 20, कितना आया 11.2, ये मिला 11.2 न्यूटन। न्यूटन को नहीं भूलना है, ओके। P इज इक्वल टू 11.2 न्यूटन, यह मिलेगा आपको लास्ट का एक मार्क, टोटल चार मार्क्स, ठीक है, मिल गए। चांसेस है ये एग्जाम में आ सकता है, एक आधा वैल्यू चेंज करेंगे, 8 न्यूटन की जगह 5 न्यूटन डाल देंगे, वो लोड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे या कम करेंगे, है ना। और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ऑलरेडी ये तीन बार पूछा है, ठीक है, तीन बार पूछा है, मे भी पूछा होगा बाद में समर 18-19 में, हम बाद में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं क्या आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये समझना है आपको क्या प्रूव होता है क्वेश्चन से, ठीक है। हम कंक्लूजन देखते हैं, वीडियो का कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन क्या पूछा था, इन अ मशीन एन एफर्ट ऑफ 8 न्यूटन वॉज रिक्वायर्ड टू रेज अ लोड ऑफ 224, कोई एक ऐसी मशीन है जिस मशीन पे आपको 224 न्यूटन का लोड उठाने के लिए एफर्ट कितना लग रहा था, 8 न्यूटन का, ठीक है, कितना लग रहा था 8 न्यूटन का। अगर उसका आप मैकेनिकल एडवांटेज देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मिला हमें, है ना, बहुत ज़्यादा मिला, कितना 224 अपॉन 8 किया था हमने, तो देखो आप एडवांटेज कितना ज़्यादा मिला। तो ऐसे मशीन पे VR मिला था हमें 40, VR मिला था हमें 40, ठीक है। तो वो क्या पूछ रहे हैं कि ये मशीन रिवर्सिबल है या नहीं, ये मशीन रिवर्सिबल है क्या नहीं है, इसकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा मिली है 70%, कितना मिला है 70%, तो मोर देन 50% अगर होगा तो रिवर्सिबल मशीन है, सिंपल याद रखो आप। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी पूछते हैं कि व्हाट इज मीन बाय रिवर्सिबल मशीन, तो आप कैसे लिखेंगे वहां पे, रिवर्सिबल मशीन इज अ मशीन विच हैव मोर देन 50% इफिशियंसी, और वी कैन से दैट कि आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड इन अ मशीन, आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड इफ इट कम्स बैक टू रिवर्स पोजिशन देन इट इज अ रिवर्सिबल पोजिशन, इफ इट इज नॉट कमिंग बैक टू द रिवर्सिबल पोजिशन इट इज अ नॉन रिवर्सिबल पोजिशन। आप थ्योरेटिकल स्टेटमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ इफिशियंसी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये कंसेप्ट भी पढ़ा और न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया, तो ऐसा न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करके रखो, आया तो सॉल्व करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आगे देखते रहो।